हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के बारे में देखेंगे। झारखंड की नदियों के बारे में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं JSSC वगैरह एग्जाम्स में। और अगर JSSC में 10+2 लेवल हो, चाहे 10+2+3 मतलब ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन या 10+2 लेवल पे हो, जितने भी JSSC के द्वारा आयोजित एग्जाम होते हैं वहाँ पर नदियों से अमूमन हमेशा प्रश्न कुछ ना कुछ एक या दो प्रश्न सहायक नदियाँ या मुख्य नदियाँ या नदियों पर बने जलप्रपात के बारे में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हल करने का एक प्रयास में कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने जो लक्ष्य है JSSC के द्वारा होने वाला आयोजित होने वाले परीक्षाओं में आप सफल हो सकें, उसके लिए मैं थोड़ा सा प्रयास करूँगा आपके लिए। और शायद हो सके कि इस प्रयास के द्वारा आपको एक गवर्नमेंट सर्विस यहाँ मिल सके, तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो बनाना मेरे लिए सार्थक हुआ। देखेंगे झारखंड की नदियों के बारे में। आज झारखंड की नदियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो झारखंड की नदियाँ जानने से पहले हम जानेंगे अपवाह प्रणाली क्या होता है। अपवाह प्रणाली किसे कहते हैं? अपवाह प्रणाली, ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न या अपवाह प्रणाली होता क्या चीज है? वर्षा के जल को देखा जाता है। वर्षा के जल कहाँ कहाँ होते हैं संग्रहित? नदियों में, तालाब में और झीलों में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अपवाह प्रणाली में वर्षा के जल और जल के अन्य स्रोतों को सम्मिलित रूप से मिलाकर एक साथ अगर हम बात करें तो उसे हम लोग अपवाह प्रणाली का नाम देते हैं, ड्रेनेज पैटर्न का नाम देते हैं। अब ड्रेनेज पैटर्न या अपवाह प्रणाली का निर्माण कैसे होता है, इन चीजों के बारे में देखेंगे। अपवाह प्रणाली के घटक के, या पहले हम देखेंगे कि निर्माण कैसा होता है, तो उसके बारे में देखेंगे अपवाह प्रणाली का। हम लोग निर्माण तो देखेंगे अपवाह प्रणाली के निर्माण के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जल की मात्रा होगी, किसकी मात्रा? जल की मात्रा। पहला क्या होगा? जल की मात्रा मतलब जल कितने अमाउंट में कहाँ है, कहाँ संग्रहित है, उन चीजों के बारे में देखेंगे निर्माण कैसे होगा उसका। दूसरा, मिट्टी की संरचना। मिट्टी की संरचना, या हम कहेंगे इसको भूमि की ढाल। भूमि की ढाल, वनस्पति घनत्व। वनस्पति घनत्व को देखेंगे तो वनस्पति, आप फिर देखेंगे ढाल, भूमि की तीव्रता या ढाल की तीव्रता। ढाल की तीव्रता, ये पांच फैक्टर हैं जहां पर अपवाह प्रणाली का निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होगा। जल की मात्रा यानी कि जल कितने अमाउंट में होगा, भूमि की संरचना कैसी, भूमि की ढाल कैसी है और वो ढाल की तीव्रता कैसी होगी, और वनस्पति घनत्व कैसे हैं या वनस्पति का किस तरह का वहां घनत्व होगा उन क्षेत्रों में, वहां अपवाह प्रणाली के निर्माण के बारे में देखेंगे। मैं बता दूं कि आने वाले हर एग्जाम में इससे प्रश्न JSSC और JPSC, मैं रिपीट कर रहा हूं आप सबके लिए, JSSC और JPSC जैसे प्रतिष्ठित एग्जामों में आप देखेंगे कि नदी की, झारखंड की नदियों से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में इससे आए दिन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखेंगे कि अपवाह प्रणाली के बारे में घटक देखेंगे, कौन कौन से घटक हैं अपवाह प्रणाली के घटक। तो इसे तीन भाग में बांट के देखा जा सकता है। पहला, झारखंड की प्रमुख नदियां। झारखंड की प्रमुख नदियों को पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, प्रमुख नदियां पहली बात। दूसरी है, इस नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, वाटरफॉल्स है, जलप्रपात। और तीसरा देखेंगे कि गर्म जल कुंड,
गर्म जल कुंड। हम सबसे पहले नदियों के बारे में देखेंगे और नदी सबसे पहले देखेंगे नदियों के बारे में कि नदियां झारखंड में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और वहां किधर से होकर बहती है, किन जिलों से होकर गुजरती है और इसका मुहाना कहाँ है। पहली बात ये चीज देखेंगे और उस नदियों पर, उन नदियों पर कौन कौन से जलप्रपात बने हैं। अब बात आती है कि जलप्रपात का निर्माण कैसे हुआ होगा। झारखंड नदियों की बात, नदियों की बात कर रहे हैं और जलप्रपात की बात भी कर रहे हैं। और गर्म जलकुंड, गर्म जलकुंड की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां से भी प्रश्न आते हैं कि सबसे, जैसे कि झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है, सूर्यकुंड का, तो हजारीबाग जिला में है। तो यहां से प्रश्न हमें आता है 88 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है उसका। तो बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे चतरा में भी आपका मिलेगा, बलबल द्वारे में मिलेगा। तो गर्म जलकुंड के बारे में हम लोग देखेंगे, पहले तो नदियों के बारे में देखेंगे, उससे रिलेटेड देखेंगे जलप्रपात के बारे में और गर्म जलकुंड। तो ये नदियां और जलप्रपात एक दूसरे से कोरिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे और रटने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर रटने का प्रयास करेंगे तो इस वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो नदियों के बारे में देखेंगे बढ़िया तरीका से। अब क्या यहाँ की नदियां जलप्रपात का निर्माण क्यों करती हैं, इसके बारे में विशेष बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ का जो जमीन है, एक तो झारखंड को हम लोग छोटनागपुर का पठार कहते हैं और यहाँ पर आर्कियन चट्टानों की बहुलता है। और आप जानते ही हैं आर्कियन चट्टान, यहाँ की पोरोसिटी यानी कि छिद्रता कमी पाई जाती है, छिद्रता में कमी पाई जाती है। अब आर्कियन चट्टान है, छिद्रता में कमी है, तो वर्षा का जल आएगा भी तो क्या यह जमीन पर पहुंच पाएगा? प्रश्न उठता है कि क्या जमीन पर पहुंच पाएगा, धरातल पहुंच पाएगा? तो नहीं, बहुत कम मात्रा में। इसका मतलब हुआ कि छोटनागपुर पठार पर वर्षा होने के कारण, वर्षा होती है हर जगह जिस तरह से होती है, यहां पर भी होती है। आर्कियन चट्टान होने के कारण पोरोसिटी उसकी कमी है उसमें से, अनिच्छिद्रता की कमी है। इसके कारण क्या होता है, वर्षा का जल आया भी तो तेजी से, इसके पहले मैं तुरंत पहले स्टेप में बताया था मैंने, ढाल की तीव्रता है और आर्कियन चट्टान है तो जल ऑब्वियसली यहाँ की नमी का कमी हो जाएगा। चूंकि ये पठारी इलाका होने के कारण वर्षा का जल तो आएगा लेकिन आर्कियन चट्टान से होते हुए तुरंत ढाल की तीव्रता होने के कारण ये शीघ्रता से जल प्रवाहित हो जाएगा और ये नमी को बनाने में, बरकरार रखने में ये नाकामयाब हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है झारखंड की अधिकांश नदियां बोले तो सभी के सभी नदियां, सिर्फ सोन नदी को छोड़कर, मैं नोटिस कर रहा हूं, सोन नदी को छोड़कर, मैं बोल रहा हूं बार बार, सोन नदी को छोड़कर, कौन सी नदी, सोन नदी को छोड़कर जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, सोन नदी को छोड़कर बाकी सभी झारखंड की नदियां बरसाती हैं, सिर्फ इसी नदी को छोड़कर। अमरकंटक की पहाड़ी से जानते हैं तीन नदियां निकलती हैं, तीन प्रमुख नदियां, एक तो सोन उत्तर की तरफ और दूसरी तरफ है एक महानदी है जो पूरब की तरफ निकलती है और पश्चिम की ओर एक नदी है, इसका नाम है नर्मदा। नर्मदा तो मैंने इसे कोड कर समझाया था कि सोनम, सो न और म, अनिल कपूर की बेटी का नाम है सोनम कपूर, तो थोड़ा सा मैं लॉजिक दे रहा हूं। सो का मतलब सोन नदी हो जाएगा जो उत्तर की ओर अमरकंटक की पहाड़ी, ये कौन सी पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी है, ठीक है। तो अमरकंटक की पहाड़ी कहां भाई, ये सोन नदी उत्तर की तरफ निकला, सो न नर्मदा और मां महानदी, मतलब कि पूरब की तरफ महानदी, पश्चिम की तरफ नर्मदा, झारखंड चुकी पड़ रहे हैं तो सोन नदी का संबंध होगा हम यहां देखेंगे। तो ये मात्र ऐसी नदी है जो बरसाती नदी नहीं है, बाकी सभी झारखंड की नदियां बरसाती होंगी, यहां मैं बात करूंगा आपको। तो अब चूंकि यहां बात कर रहे हैं झारखंड की नदियों के बारे में विशेष बात कर रहे हैं तो कुछ विशेषताओं के बारे में देख लेंगे। तो कौन सी नदी हमेशा पानी रहता, कौन सी नदी में, सोन नदी, और इसकी सहायक नदी अबर चर्चा में, चर्चा का विषय, जनवरी में, 5 जनवरी कब, 5 जनवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी, ये चर्चा का विषय रहा 5 जनवरी 2019 को। क्यों, क्योंकि सोन नदी के सहायक नदी कौन सा, उत्तरी कोयल पर, कौन सा, उत्तरी कोयल पर, उत्तरी कोयल नदी पर
एक मंडल डैम परियोजना बनाया गया है, मंडल डैम परियोजना परियोजना कब? 5 जनवरी 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, 5 जनवरी 2019 को। इसमें ये दिखा गया है कि ये 19,604 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगा, और साथ में इस मंडल डैम परियोजना की जो लंबाई है वो 408 मीटर है। ये लंबाई की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी के लिए इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएगा या पूछाने की प्रबल संभावना होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही प्रश्न पूछेगा, लेकिन इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाइट की मैं बात करूंगा तो 67.80 मीटर इसका हाइट है, ऊंचाई है, प्लीज याद करेंगे इसको। तो मंडल डैम परियोजना किसकी सहायक नदी पर बनाई गई है? सोन की सहायक नदी उत्तरी कोयल है, उत्तरी कोयल, और उत्तरी कोयल की सहायक नदी हम बात करेंगे तो औरंगा नदी और अमानत नदी की बात करेंगे। लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूं, चूंकि फर्स्ट में मैंने लिख दिया इसके बारे में कि 5 जनवरी 2019 जो कि करंट के लिए भी काम आ जाएगा आपका, जेएसएससी में जितने एग्जाम होंगे ये प्रश्न लगता है मुझे कि पूछने की संभावना बनती है, चूंकि करंट में भी काम आएगा, इसीलिए आज का उद्घाटन किसने किया तो हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कब? 5 जनवरी 2019 को किया है। नाम है उसका मंडल डैम परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सोन की सहायक नदी उत्तरी कोयल पर बनाई गई है, जहां पर आप देखेंगे गढ़वा और पलामू जिला झारखंड के दो जिलों को और बिहार के दक्षिणी बिहार के हिस्सों को लाभान्वित पहुंचेगा, और 19,604 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगा, जो कि हमारे राज्य के लिए और पूरे भारत के लिए भी एक गौरव की बात है। और इस तरह से मेरा मंडल डैम परियोजना हमारे लिए करने वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये अब देखेंगे कि नदियों को मैंने यहां पर देखा, अब चूंकि मैंने पहले भी बोल दिया कि यहाँ छोटा गुरु पठारी इलाका है, तो ऑब्वियसली यहाँ की नदियों में नौकागम्य की संभावना कम हो सकती है। तो प्रश्न पूछता कि क्या झारखंड की नदियां नौकागम्य है? तो सिर्फ एक आंसर आएगा, जिस तरह से केवल झारखंड की जो सोन नदी है वो आपका सालों भर वर्षा इसमें पानी रहती है, यानी कि ये बरसाती नदी नहीं बल्कि ये इसमें हमेशा सालों भर पानी होती है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें नौकागम्य नदी एकमात्र है मोर या मयूराक्षी नदी जो दुमका में है, जो कि एकमात्र नौकागम्य नदी है। ये हमेशा प्रश्न आते रहता है, इन दोनों को प्रश्न आया हुआ है, सोन नदी के बारे में भी और मोर या मयूराक्षी नदी। तो पूछेगा कि झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो नौकागम्य है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा एक लाइन में कि मोर या मयूराक्षी नदी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे झारखंड का चर्चा कर रहे हैं और नदियों की चर्चा कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने छोड़ ही दिया, दामोदर नदी के बारे में। तो हम मैप के थ्रू देखेंगे कि वो दामोदर नदी कहाँ है और उससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उनको मैं मैप के द्वारा दिखाऊंगा। प्लीज एक बार आगे जाने से पहले रिपीट करना चाहूंगा कि उत्तरी कोयल नदी पर, जो कि इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं बार बार मैं, उत्तरी कोयल नदी पर, उत्तरी कोयल की सहायक नदी है तो सोन की नदी है, सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल है। उत्तरी कोयल पर कौन सा डैम परियोजना बनाया गया? पर तो मंडल डैम परियोजना किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री, अभी फिलहाल अभी आप देखे, आप लोगों ने देखा कि चुनाव भी जीत चुके हैं और फिर से नरेंद्र मोदी जी फिर से 5 सालों के लिए बागडोर संभालेंगे भारत का। तो उन्होंने 5 जनवरी 2019 को इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। उसका कितना हेक्टेयर भूमि पर सिंचित होगा? तो 19,604 हेक्टेयर। और अगर हम बात करें लंबाई का तो 408 मीटर, और हाइट यानी ऊंचाई की बात करेंगे 67.80 67.80 मीटर इसका आप देखेंगे ऊंचाई है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि अब विशेष नदियों को देखेंगे, इसमें झारखंड की जो नदी दामोदर नदी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूं
आपकी दामोदर नदी के बारे में। कौन सी नदी? दामोदर। दामोदर नदी। दामोदर नदी यहां देखेंगे, ये आपका लातेहार जिला है, जो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि पलामू से लातेहार अलग हुआ था कब? 4/4/2001 को। ये डेट याद ही होगा आप लोगों को। और यहां पे एक जगह का नाम है चूल्हा पानी। क्या नाम है? चूल्हा पानी। चूल्हा पानी यहीं पर टोरी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? यहीं पर कौन सा क्षेत्र है? टोरी क्षेत्र, टोरी चंदवा लातेहार। ये हम एक लाइन में बात करेंगे, टोरी चंदवा, यहाँ चंदवा जगह का नाम है, तो ये टोरी क्षेत्र ही चूल्हा पानी वाला जगह है जहां से ये दामोदर नदी इस तरह से निकलती है। यही है आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछता है, लेकिन इसके पर जानेंगे कि ये जो दामोदर नदी है ये पूरा झारखंड में, इसकी जो लंबाई है कुल 290 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 290। सिर्फ झारखंड में विस्तार है इसका। टोटल अगर हम बात करेंगे तो 592 किलोमीटर है। यहां देखेंगे कि एक नदी है, कौन सी? आप समझ गए होंगे कौन सी नदी? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। यहां पर आपका साहिबगंज जिला है। एक कौन सा जिला के नाम क्या है? साहिबगंज। अब देखेंगे कि पूछता है कि बताइए कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होके गुजरती है, तो वह जिला साहिबगंज जिला है। एकमात्र जिला है, झारखंड में 24 जिले हैं और 24 जिलों में से साहिबगंज एकमात्र जिला है जहां से गंगा नदी होके गुजरती है। यहीं से बंगाल में प्रवेश करती है और ये गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। दो धाराओं में बढ़ जाती, एक धारा इसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। कौन सी नाम? यहीं पर आपका दामोदर नदी आके मिलती है। कहां पर? दामोदर नदी मिलती है, हुगली। गंगा नदी, गंगा की हम कहेंगे कि अगर दामोदर नदी कहां मिलती है, तो हुगली में। हुगली किससे बनी है? गंगा नदी से बनी है। अब ध्यान देना है, पूछा जाता है हमेशा कि सहायक नदी के बारे में प्रश्न आता है, तो मैं आपको यहां एक बार लिख देता हूं। दामोदर की सहायक नदी के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी, तो पहला जो मैं बात करूंगा अभी, तो मैं करूंगा बोकारो नदी के बारे में। बोकारो नदी। दूसरी नदी की मैं बात करूंगा भेड़ा, इसी को हम लोग भैरवी भी कहते हैं। बराकर, बराकर नदी, भेड़ा नदी है ये बराकर नदी है। कोनार नदी, जमुनिया नदी और कतरी नदी। ध्यान दीजिएगा, दामोदर नदी की सहायक नदियां बोकारो नदी, भेड़ा जिसे हम भैरवी नदी भी कहते हैं, बराकर नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी और कतरी नदी। अब यहां देखना है आपको, शायद ये याद करने में थोड़ा तकलीफ लग रहा होगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा मैं इसको प्रैक्टिकल सोचने का प्रयास करवा रहा हूं। ऐसा नहीं कि किताब में लिखा गया है, बस आपको याद कराने का एक प्रयास कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम तक इसे ले जा सके और एग्जाम में आप सफल हो सके। दामोदर नदी के सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा वाक्य मैं समझाता हूं, आपको समझाता हूं कि दामोदर नाम का एक नदी था। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, कैसे याद कर ले किसी भी तरीके से, आप इसे आप ट्रिक के माध्यम समझिए या इसे लॉजिकल समझिए या जैसे भी आपको याद आता है। अगर आपको सिर्फ सिंपल तरीके से दामोदर नदी की सहायक नदियां के बारे में जानकारी मिल गया या याद हो गया कि बोकारो नदी सहायक नदी है, भेड़ा भैरव नदी है, बराकर नदी है, कोनार है, जमुनिया है, कतरी है, तो फिर देन ओके, कोई दिक्कत नहीं आपको। लेकिन लगता है कि नहीं भूल जाएंगे, उस पर एक कहानी में थोड़ा बहुत समझा सकता हूं, थोड़ा सा लॉजिकल किया याद रह जाए, एग्जाम तक चल जाए आपका। तो दामोदर नाम का एक आदमी था, मैं बोल रहा हूं कि दामोदर नाम का एक आदमी था,
वो बोकारो गया, कहाँ गया, दामोदर नाम का आदमी बोकारो गया और बोकारो में एक भेड़ा खरीदा। कौन खरीदा? दामोदर। दामोदर नाम का एक आदमी था, वो बोकारो गया और बोकारो से एक भेड़ा खरीदा। और जब भेड़ा खरीद, भेड़ा था थोड़ा गंदा था, तो उसे लगा भाई इतना कहाँ ले जाएंगे, इसको पहले नहला लेते। तो उसको ब्राकर नदी मिला रास्ते में, तो ब्राकर नदी मिल गया। तो ब्राकर नदी में क्या, बीच में तो नहाएगा नहीं जा करके, अगर बीच में जाएगा तो खुद डूब जाएगा और भेड़ा, उसका भेड़ भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो बोला कि नहीं, ब्राकर नदी में नहाएंगे उसको, लेकिन कहां पर, कोना के तरफ, किनारे में। तो कोनार नदी, ब्राकर नदी लेके गया और कोना के तरफ जाकर के स्नान कराया, कोना के तरफ यानी कोनार नदी। और जब स्नान कर, शायद दोपहर हो गया होगा, अब भूख लग गया होगा, तो बगल में ही एक जामुन का पेड़ था। तो जामुन का पेड़ था तो जामुन खाने है, यहाँ पर क्या है, जमुनिया बोला उसको। और जामुन कैसे खाने लगा, कुतर कुतर के, तो उसको हम कत्र नदी नाम दे दिए। तो फिर से एक बार आप याद करने के लिए, दामोदर नाम का आदमी था, बोकारो गया और भेड़ा खरीदा। भेड़ा खरीदने के बाद, चूंकि मैंने बताया कि गंदा था, तो भाई नहाएगा कहां, तो ब्राकर नदी मिल गया रास्ते में, तो ब्राकर नदी के बीच में जो नहीं नहाएगा तो मर जाएगा दोनों, तो भाई कोना में जाके नहाएगा, तो कोनार नदी। और कोनार नदी, अब भूख लग गया होगा, तो भाई देखा कि जामुन का पेड़ है, दामोदर लगा कि दामोदर को दिखा वहां जामुन का पेड़, तो जामुन खाने लगा, जमुनिया नदी हो गया। और फिर बोलेंगे भाई उस जामुन को कुतर कुतर के खाने लगा, तो कत्तिर नदी। तो शायद हम, मुझे लगता है कि ये कहानी बताने से याद हो गया होगा। फिर से रिपीट करना, बार बार कह रहा हूं मैं आपको, दामोदर नदी की सहायक नदी के, बोकारो, दामोदर कहां गया, बोकारो नदी, बोकारो गया, बोकारो से भेड़ा खरीदा, फिर ब्राकर नदी में नहाने गया, कहां पर, कोना के तरफ, और फिर वहीं देखा जामुन का पेड़ था, जमुनिया खाया और फिर कुतर कुतर के खाया जामुन को, तो कत्तिर नदी। तो सहायक नदियों को अब इस तरह से याद कर सकते हैं, यहां पर मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको समझने में। दूसरी बात है कि एक ब्राकर नदी, यहां मैं बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ब्राकर नदी सहायक। तो आप देखेंगे हजारीबाग जिला में एक पद्मा एक जगह है, पद्मा देख रहे हैं, या छोटनागपुर का पठार कहेंगे, तो यहां से नदी निकलती है। कौन सा, यहां मैप में थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, इस तरह से बनेगा मैप, तो यहीं पर ये आगे बढ़ेगा और यहीं पर आपका तिलैया डैम है। कौन सा डैम है, तिलैया डैम है, तिलैया डैम है, जिसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई है, याद रखेंगे। तिलैया डैम की स्थापना कब हुई, 1953, कहां, तो यही ब्राकर नदी ही से निकल रही है, ब्राकर नदी, ब्राकर नदी। अब ऐसे होते हुए अब गुजरी और यहीं पर दिखिएगा कि यहीं पर आपका एक मैथन डैम, मैथन डैम, मैथन डैम का निर्माण हुआ है, ब्राकर नदी, बार बार मैं कह रहा हूं ब्राकर नदी है ये, ब्राकर नदी। और यहीं पर ये दोनों नदियां सीमा में मिलती, कहां पर, पश्चिम बंगाल है ये पूरा एरिया, ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये राज्य पश्चिम बंगाल का राज्य है। तो यहीं पर आपका ब्राकर नदी पर मैथन डैम है और ब्राकर नदी पर ही तिलैया डैम है। यहीं पर आप देखिएगा कि एक कोनार है, यहां पर कोनार, कोनार डैम, यहीं पर कोनार डैम है, कह सकते हैं डैम। और ये मिल रही है किसमें से, आपका दामोदर नदी में, तो कोनार नदी भी हो गया। अब देखिएगा कि यहीं पर आपका एक डैम है, कौन सा, पंचायत बांध ही बना गया ना, पंचायत बांध, मैं यहां पर दिखा रहा हूं, पंचायत है ये, पंचायत बांध या डैम, पंचायत डैम यहीं पर है, जो कि ब्राकर और दामोदर के संगम पर है। ध्यान दीजिएगा, ब्राकर नदी और दामोदर नदी के संगम पर पंचायत डैम है। अब देखिएगा कि दामोदर नदी कहां से निकल रही है, झारखंड के लातेहार से, टोरी चंदवा लातेहार, जहां चूल्हा पानी भी कहते हैं, टोरी क्षेत्र है ये। लातेहार से निकलते हुए आप इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे, लातेहार से गुजरेगा तो यहां पर सामने आपका चतरा आ जाएगा, हजारीबाग है, रामगढ़ है, उसके बाद देखेंगे कि धनबाद और बोकारो मिलेगा। तो अब यहीं पर बांकुड़ा और वर्धमान जिले हैं पश्चिम बंगाल राज्य के। तो यहां से जब तक ये डैम नहीं बना था इस पर, अब हम डीवीसी की बात करें, दामोदर वैली कॉरपोरेशन की बात हम करेंगे, जो बना उन कब, डीवीसी की स्थापना कब हुई थी, बोलिए, डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी निगम,
7 जुलाई 1948 ईस्वी, ये प्रश्न आया हुआ है जेएसएससी में, बार बार पूछा गया है कि डीबीसी का स्थापना कब हुई, तो 1948 ईस्वी। मुख्यालय कहाँ है इसका, ये भी प्रश्न आया हुआ है, मुख्यालय कहाँ है इसका, तो कोलकाता में है, याद रखिएगा कोलकाता में है। और भूमि संरक्षण डिवीजन अगर हम बात करें तो हजारीबाग में है, कहाँ है भूमि संरक्षण डिवीजन, भूमि संरक्षण डिवीजन, डिवीजन की बात करेंगे तो यह है हजारीबाग में, कहाँ है हजारीबाग में है। अब यहां पर कहानी यह है कि कभी समय था जो बांकुड़ा और वर्धमान जिलों में सैकड़ों घर और हजार एकड़ जमीन केवल दामोदर नदी के बाढ़ में खत्म, बाढ़ से बर्बाद हो जाता था, तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां के लोगों में शोक का लहर दौड़ता था, किस कारण, दामोदर नदी के कारण। इसीलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक कहते थे, ना कि कहते हैं, क्योंकि 1948 में स्थापना हो चुका है ना, तो कहते थे, यानी कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते थे। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे प्रदूषित नदी के नाम से फेमस है, और प्राचीन साहित्य में इसे देवनद कहते हैं, इसी दामोदर नदी को हम लोग देवनद कहते हैं, देवनद के रूप में फेमस है, यह प्रसिद्ध है झारखंड में। तो हमने क्या बताया, एक बार साम्राज्य करेंगे झारखंड नदी, झारखंड के दामोदर नदी के बारे में बात कर रहे हैं, सहायक नदी की बात करेंगे तो बोकारो था, भेड़ा, बराकर, कोनार, जमुनिया और कतरी। अब देखेंगे कि इस पर कौन सा एक निगम बना है, दामोदर घाटी निगम, और यहीं पर हम बात करेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना के बात करेंगे, जो यहां पर इन क्षेत्रों में जो बाढ़ का क्षेत्र था उससे निजात मिला लोगों को। और दामोदर नदी की सहायक नदी तो देख ही लिए हैं, दामोदर बराकर नदी के संगम पर कौन सी है, पंचेत डैम का निर्माण किया गया, पंचेत बांध का निर्माण किया गया है। और देखेंगे कि तिलैया डैम की बात अगर करेंगे तो बराकर नदी पर मैथन डैम धनबाद में है, ये कहां पर है, धनबाद में है। किस नदी पर बना हुआ है, तो बराकर नदी पर बना हुआ है, तो आपको याद रखना जरूरी होगा। झारखंड में कुल इसका लंबाई कितना दामोदर का है, तो 290 किलोमीटर है, और संपूर्ण अगर बात करेंगे तो 592 किलोमीटर है, और ये हुगली मिलती है, यानी गंगा की एक शाखा है यहां से जो बढ़ती है हुगली नदी, और हुगली नदी जाके ये मिलती है। ये आपका दामोदर नदी के बारे में था। तो आज हम लोग दामोदर नदी के बारे में देखें, बारी बारी से एक एक करके नदियों के बारे में देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं इन नदियों के बारे में, और आपके एग्जाम में हम कुछ मदद कर सकें आपको कुछ वीडियो के माध्यम से। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, थैंक यू।